नहीं उठना तेरी मॉर्निंग ना कोई सपोर्ट किया कोई डिफेंड किया दसो हालां एलीगेशन ही लगे हैं मानने तो उसी वक्त अस्तीफा ले लिया था उन्होंने चो किसी की मैंबर की गैरत जागेगी उन्हें कुछ करना होया उन्होंने चो तो साड़ी पार्टी उन्होंने सपोर्ट करेगी जहाँ इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब रिसर्च सेंटर बनाया है उस पोर्शन में एक ऑफिस बीरर के कमरे में ऑफिस बीरर का पीए और एक जो नई लड़की इन्होंने भर्ती की थी 1.5-2 साल पहले वो एक्सट्रीम कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थे तकरीबन 45-50 मिनट उसको दरवाजे बाहर से खड़काते रहे जब नहीं खोले गए तो पीछे की खिड़की खोल के उन दोनों को रंगे हाथी पकड़ा गया अगर दोनों की मर्जी से भी काम हो रहा है तो ये काम जो है उतना ही गुनाह है जितना बिना मर्जी से हो रहा हो सबसे बड़ी बात यह है तकरीबन आप में से 50% जानते हैं जाते रहे हैं कि दिल्ली कमेटी का असल जो ऑफिस बीरर हैं उनका काम 3 बजे के बाद शुरू होता है जब तक हम थे तब तो यही था कोई मीटिंग है तो ठीक है हम 11, 12, 1 बजे आते थे अदरवाइज 3 बजे के बाद सारे ऑफिस बीरर आते हैं ये जो घटना हुई है ये शाम 4:30 बजे हुई है अब कितनी जरूरत है कि जब दिल्ली भर से वर्कर वगैरह सब आते हैं उस टाइम के ऊपर ये कारा कर रहे हैं सबसे बड़ी बात ये है उसने तो इस्तीफा दे दिया वो थोड़ी कह कि मेरे को जबरदस्ती कर रहा है नहीं कर रहा मैं कहता हूँ दोनों की मर्जी से भी हो रहा क्या ये स्थान गुरु तेग बहादुर शाह का महान शहीदी स्थान इस काम के लिए है गुरु ग्रंथ साहब रिसर्च सेंटर नाम और गुरु ग्रंथ साहब रिसर्च सेंटर जो है वो वहाँ पे हो इसलिए काम हो रहे हैं कि इन्होंने जो भ्रष्ट जो करप्शन इन 2 सालों में की है और इनकी जो कारगुजारियाँ हैं वो इनके पीओ को मालूम हैं उसकी वजह से उनमें इतनी हिम्मत आई और यह काम किया अब लड़की की बदनामी क्या होगी क्या नहीं होगी ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ Powered by NNIS.